हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। फ्रेंड्स, आज मैं गार्डनिंग का प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ, कुछ केयर टिप्स से और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिया जो प्लांट है बिल्कुल जैस्मीन और मोगरा की वैरायटी के जैसा है। उसकी सुगंध तो बहुत दूर दूर तक आती है। मोगरा की जो सेंट होती है उससे भी ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा इसकी सेंट बहुत ही दूर दूर तक आती है। वो वैसे ही रहती है। और अगर आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो तो बहुत दूर तक इसकी खुशबू आती है। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है तो इसका ब्लूमिंग सीजन जो होता है लगभग फेब से शुरू होता है हमारे यहाँ। जैसे ही ये मोगरा के प्लांट के होता है, जैसे समर में उसका सीज़न होता है, समर में मोगरा जैसे खिलने लगता है, वैसा ही सेम है गार्डनिया प्लांट का। और इसकी जो कटिंग है तो आप देख रहे होंगे इस प्लांट पे ये साइज़ की जो कटिंग है वो भी लग जाती है। तो लेकिन कटिंग अगर हमें सक्सेसफुली लगानी हो तो आप बारिश में इसे लगा सकते हैं। तो 100% श्योर है कि इसकी कटिंग जो है सक्सेस हो जाएगी, रूटिंग फॉर्म कर जाएगी। और फ्रेंड्स, ये पॉट में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है और ज़मीन में तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है और बहुत टॉल होता है ज़मीन पे। मैंने एक जगह पे देखा था, बहुत ही टॉल प्लांट था गार्डनिया का। और अब जैसे देख रहे होंगे इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद है। तो जो ग्रोथ है इसकी बारिश में, बारिश का पानी जो होता है बहुत ही एसिडिक होता है, तो बारिश में अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। और देखो फ्लावर भी आ रहे हैं इस पर और कलियाँ भी अभी निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, एसिडिटी जो होती है सॉइल की, वो मेंटेन करने के लिए आपको इसकी सॉइल में जो है गार्डन सॉइल और सैंड और उसके साथ ही कोकोपीट, उसका बराबर मात्रा में जो है सेम रेशियो में आपको मिक्सचर करना है और उसमें ही इस प्लांट को लगाना है। उसके साथ अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं आप, तो विनेगर जो होता है हमारे किचन में यूज़ होने वाला, तो वो एसिडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारा छोटा पॉट हो, ये देखिए बहुत ही छोटा पॉट है, तो इसके लिए बस आधा चम्मच जो विनेगर होता है, आधा टीस्पून वाला अपना, तो वो 1 लीटर पानी में तो मिक्स करके 2 बार इसे देना है, हफ्ते में 2 बार, तो इसकी एसिडिटी जो होती है मेंटेन रहती है। जब ब्लूमिंग सीज़न होता है इसका तभी आपको इसे ये देना है। और बाकी के जो सीज़न में हम इसे गोबर खाद भी दे सकते हैं और जो भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी इसे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, सनलाइट के बारे में जो है, सनलाइट इसे 4 घंटे की लगभग सनलाइट चाहिए डेली की। और थोड़ा सा जो अप्रैल और मई की जो धूप होती है उससे बचाना है, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। लेकिन जो ब्लूमिंग पीरियड है वो इसका वही होता है। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी पसंद है इसको, तो आसपास अगर और कोई पौधे हो उसके साथ इसे अगर रख दे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से खिलने लगता है। और फ्रेंड्स, जो वाटरिंग का है, वाटरिंग इसे डेली करनी है। इसकी सॉइल जो होती है थोड़ी बहुत मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। अभी तो बारिश हुई है, लेकिन जो सीज़न होता है गर्मी का और विंटर का, तो तभी भी इसकी जो सॉइल है हमें थोड़ी सी मॉइस्ट ही रखनी है, इसलिए डेली वाटरिंग करनी है इसकी। और उसी लिए हमें इसमें जो सॉइल मिक्सचर जो है उसके लिए ही हमें इसमें कोकोपीट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो पीएच की लेवल जो होती है वो भी मेंटेन करता है
उसके साथ ही जो मॉइस्चर होता है वो भी ये कैप्चर करके रखता है कोकोपीट, जो कि इसे पसंद है। और फ्रेंड्स, ब्रूनिंग के बारे में ये है कि जब इसका सीज़न होता है, सीज़न से लगभग एक महीना पहले हमें इसके हार्ड ब्रूनिंग करनी है, उसके साथ ही फर्टिलाइज़र ऐड करना है। फर्टिलाइज़र आप गोबर, जो गोबर खाद होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ मैंने विनेगर जो बताया वो भी ऐड कर सकते हैं। हार्ड ब्रूनिंग में जो ब्रांचेस निकलती है वो भी आप लगभग फेब में या जनवरी में, तो वो भी आप उसे लगा सकते हैं, उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और अभी उसके साथ, अभी इस सीज़न में भी, रेनी सीज़न में भी, आप इसकी हार्ड ब्रूनिंग नहीं तो थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो ब्रूनिंग है वो कर सकते हैं, और उसके जो ब्रांचेस है निकली हुई तो वो भी आप प्रोपोगेट करके देख सकते हैं। लगभग आपको इतनी जो है ब्रांच वो भी लग जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया, तो उससे क्या होगा कि नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखो, यहाँ से कट किया था, यहाँ से कट किया था तो नीचे से ब्रांचेस निकल रही है, तो जैसे गुलाब के पौधों का होता है, और कुछ फ्लावरिंग जो प्लांट्स रहते हैं उसका भी वैसे ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी गार्डनिया फ्लावर के बारे में, उसके प्लांट के बारे में, उसे मराठी में अनंता भी बोलते हैं। और तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकॉन आती है उसे भी प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।